संसार वेलीवर एक नवीन पालवी फुटल्यानंतर वैवाहिक आयुष्याचं एक वर्तुळ पूर्ण होतं असं म्हणतात. मात्र दोघे तब्बल 18 वर्ष या सुखापासून वंचित होते. 4 गर्भपात आणि 4 नवजात बालकांचा मृत्यू पाहिल्यानंतर जोडफं काहीसं खचून गेलं होतं. 2018 पुन्हा अशा पल्लवीत झाल्या, पण गर्भावस्थेत अत्यंत जोखीमीची आणि गुंतीची होती. ही कहाणी आहे अनिता आणि वीरेंद्र त्रिपाठी यांची. दाम्पत्यांचे पहिले बाळ हे 2002 दगावले. त्यानंतर दर 2 वर्षांनी त्यांना अशाच परिस्थितीला सामोरे जावे लागत होते. पुणे आणि दिल्लीतील डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनही त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळत नव्हते. त्यांचे प्रसूतीचे रिपोर्ट सामान्य असायचे, पण बाळ जगत नव्हते. पण या जोडप्याने अशा सोडल्या नाहीत. जून 2018 त्या गरोदर राहिल्या. त्यांच्या गर्भावस्था अत्यंत जोखमीची आणि गुंतागुंतीची होती. 7 महिन्यांनी अचानक उलबद्रव बाहेर आल्याने त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. 11 जानेवारी 2019 रोजी अनिता यांची मुदतपूर्व प्रसूती होऊन मुलाला जन्म दिला. त्यावेळी त्याचे वजन 1.3 किलो होते. तब्बल 18 वर्षांनंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर मातृत्वाचा आनंद ओसंडून वाहत होता. ऐसा नहीं होता कि जिसके बच्चे नहीं हैं तो कुछ भी अलग भी है, सब अच्छे ही करते थे. मैं भी पीछे लगी थी कि जब तक मैं हूँ, अगर मुझे मेरी लाइफ मेरी जिंदगी जब तक थी मैं पीछे लगी रही, देखती हूँ भगवान कब तक नहीं देता मुझे. प्रयासरत हैं और 2001 से लेकर अभी तक 2019 हमको सफलता हासिल. इस बीच के 18 साल में मैं ऊना में और अपने यहाँ जो है यूपी में, वहाँ पे भी दवा कई डॉक्टर हॉस्पिटल में जा चुका हूँ और दिल्ली में भी जाके दवा करा चुका हूँ, लेकिन मेरे कहीं सफलता हाथ नहीं मिली. मैं पूना में आने के बाद यहाँ पे फिर ट्रीटमेंट चालू किया. मेरी कई प्रेगनेंसियाँ फेल हो गई हैं. यहाँ पे बच्चे मतलब चले गए थे. गाँव में भी था नॉर्मल डिलीवरी जो था वो भी खराब हो गया. लड़का डेथ हो गया उसका. तो पूना में आने के बाद हमने दवा चालू किया. फिर यहाँ से फिर हमको फिर बाद में मदर हॉस्पिटल में का मालूम हुआ पड़ा कि वहाँ पे डॉक्टर अच्छे हैं, वहाँ पे आप जाएंगे आपका काम हो सकता है. तो फिर जो जहाँ पे हम दवा कर रहे थे डॉक्टर, वहाँ पे ज्योति मैडम है हमारे यहाँ पास ही रहती है, उनका छोटा सा क्लिनिक है वहाँ से हम दवा करते हैं. उन्होंने ही बताया कि आप मदर हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर अच्छा डॉक्टर है. मैडम का भी जो वहाँ पे डॉक्टर हैं और राजेश्वरी कुमार मैडम, उनके बारे में बताया था.